गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. इट वॉज जस्ट शोन थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस विच वॉज डन बाय मेंडल. ही वॉज अ साइंटिस्ट हु वर्कड ओवर द पी प्लांट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट मीन्स क्रॉस बिटवीन द प्लांट्स बाय टेकिंग सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. यानी हम दो प्लांट लेंगे और उनके बीच में कैरेक्टर हमारा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बट वो कैरेक्टर एक दूसरे के जस्ट क्या रहेगा, अपोजिट. सपोज आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि हमने प्लांट की हाइट ले ली, तो हाइट में कॉन्ट्रास्टिंग क्या हो सकता है, हाइट इज़ द कैरेक्टर. उसमें कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है, इधर हाइट कुड बी टॉल और द हाइट कुड बी ड्वार्फ, दैट कैन बी देयर. सो नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट सी विच लॉ वर गिवन बाय मेंडल बाय यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस. So two laws were given by Mendel by using monohybrid cross. The first one was the law of dominance, while other one was the law of segregation. Here I have written in short segregation, but it was law of segregation. Now we have to understand what does it mean. So I'm just reading out the thing which is written there, then I'll explain it to you through this cross which was done by Mendel. Law of dominance states that when two contrasting genes for a character come together in an organism, then only one is expressed externally and shows visible effect. This gene which expresses itself is called dominant, and the other gene of the pair which does not express and remains hidden is called recessive. Now we have got here, that means ki when we are taking two that one pair of contrasting characters, among that one will express. जैसे हमने क्रॉस कराया, दो पेयर ले लिया, एक टॉलनेस का ले लिया, एक ड्वार्फ का ले लिया. इन दोनों में से जो हमने क्रॉस कराया, अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें इन दोनों में से एक ही कैरेक्टर दिखेगा जबकि दूसरा नहीं दिखेगा. द कैरेक्टर विच इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस इट सेल्फ, उन दोनों में से जो भी कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर ले जाएगा दूसरे जनरेशन में, उसको हम डोमिनेंट ट्रेट बोल देंगे. और जो नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा उसको हम कौन सा ट्रेट बोल देंगे, रेसिव. एक्सप्रेस करने वाले को डोमिनेंट, नहीं एक्सप्रेस करने वाले को रेसिव. एंड व्हाट दिस लॉ इज कॉल्ड, लॉ ऑफ डोमिनेंस. दैट मीन्स दैट जीन विच कैन एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द दैट फर्स्ट आफ्टर द क्रॉस ऑफ द फर्स्ट जन, वी कैन से पेरेंट प्लांट जो हमारी फर्स्ट जनरेशन पे यहाँ पे क्रॉस में आएगा, दैट वुड बी द डोमिनेंट. लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू द क्रॉस. लाइक वी हैव टू टेक सर्टन थिंग्स हेयर. लाइक पेरेंट हमने लिया, पेरेंट वन वुड बी मेल जिससे हमें पोलन ग्रेन मिलेगा, अदर वुड बी फीमेल. फीमेल में वी ऑल नो दैट इन साइड द ओवरी ओव्यूल वुड बी देयर. इन साइड द ओव्यूल एम्ब्रियो सैक होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक्सेल होगा फॉर फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू गेट एम्ब्रियो या न्यू प्लांट, उसी से जनरेट होगा. आफ्टर दैट फिनोटाइप हमने लिया. अब एक पेरेंट का फिनोटाइप क्या ले लिया हमने, सपोज मेल का ले लिया टॉल, वो टॉल है, बट फीमेल की जो वैरायटी है उसको हमने क्या ले लिया, ड्वार्फ. आफ्टर दैट वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. हियर इट इज रिटन कि कैरेक्टर क्या है आपका, हाइट, और उसका कॉन्ट्रास्टिंग क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ. अब इसका जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब इसके अंदर जीन क्या प्रेजेंट होगी. तो आपको हमने बताया था जीन जो होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, पेयर में प्रेजेंट होगी. अब पेयर में प्रेजेंट है यानी दो. अब इसको लिखने का एक रूल होता है, व्हाट इज द रूल, दैट सपोज हमें, अब देखो पहले से ही मेंडल ने बता दिया था कि कौन से डोमिनेंट फीचर्स हैं और कौन से रेसिव. तो जो भी डोमिनेंट फीचर होता है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेते हैं. जैसे टॉल है, टॉल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, टी है. टी हमने ले लिया जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब ये टी को हम कैपिटल में ही लिखेंगे क्योंकि ये पेयर में होता है, इसलिए इसको हम कितनी बार लिख देंगे, दो बार. एक पेयर में दो आता है ना, आपको पता है. सो कैपिटल टी एंड द कैपिटल टी इज रिटन हियर. अब रेसिव को कैसे रिप्रेजेंट करें, डी से ही करते तो कन्फ्यूजन हो जाती. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन एंड टू जस्ट मेक द थिंग्स स्मूथ, मेंडल ने क्या किया, इसी को जो कैपिटल टी है इसी का कौन सा फॉर्म यूज़ कर लिया उन्होंने, स्मॉल अल्फ़ाबेट. तो इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे और रेसिव को उसी कैपिटल वाले फर्स्ट अल्फ़ाबेट के रेसिव सॉरी दैट स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. देन आफ्टर दैट वॉट हैज़ हैपन, गैमेट. आपको पता है गैमेट फॉर्मेशन जब होता है ऐसे तो सेल हमारा डिप्लॉयड होता है, बट जैसे ही गैमेट बनता है तो सेल, गैमेट में जो सेल्स होते हैं, गैमेट सेल्स होते हैं, दीज वर हैप्लॉयड. हैप्लॉयड होते हैं यानी कि जो पेयर है उस पेयर में से केवल कितना जाता है, एक एक सेल में चला जाएगा, दूसरा दूसरे सेल्स में. सो दैट्स वाई अब जब गैमेट बनेंगे तो वी हैव जस्ट सेपरेटेड दिस पेयर.